चलिए सीधे चलते हैं देहरादून आई में पासिंग आउट परेड में जो कि शुरू हो चुकी है। 687 कैडेट यहां से पास होने हैं। 616 कैडेट भारतीय सेना में शामिल होंगे जबकि मित्र देशों के 71 कैडेट आज यहां से पास होने वाले हैं। बता दें आपको इसमें नेवी चीफ भी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के 60 कैडेट भारतीय सेना में शामिल होंगे तो यूपी के 100 कैडेट भारतीय सेना में शामिल होंगे और ये परेड शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून से जहां पर परेड शुरू हो गई है और आज आईएमए से 616 जो कैडेट हैं वो सेना में शामिल होंगे जबकि 71 जो कैडेट हैं वो मित्र देशों की सेना में शामिल होंगे। यानी कि टोटल 687 कैडेट आज पास आउट हो जाएंगे आईएमए से और उत्तराखंड के 60 जाबाज आज सेना का हिस्सा बनेंगे तो वहीं यूपी के 100 कैडेट आज पीओपी में शामिल हो रहे हैं, शामिल होंगे आज सेना में। नौसेना प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत कर रहे हैं। परेड शुरू हो चुकी है और यहाँ से जो कैडेट्स हैं वो आज सेना में शामिल हो जाएंगे। बात अगर आईएमए की करें तो आईएमए एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभा रहा है। लगातार सेना में भर्ती यहाँ से कैडेट हो रहे हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सेना में यहाँ से कैडेट भर्ती हो रहे हैं। कैडेट वो दे रहा है सेनाओं को। बता दें आपको इस कार्यक्रम में आज नेवी चीफ भी हिस्सा ले रहे हैं, बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल हुए हैं। उत्तराखंड से 60 कैडेट भारतीय सेना में शामिल होंगे तो वहीं यूपी के 100 कैडेट भारतीय सेना में आज शामिल होंगे। और अगर बात करें टोटल पूरे कैडेट्स की तो 687 कैडेट्स हैं जिनका सपना पूरा होगा, जो भारतीय सेना में न सिर्फ बल्कि विदेशी सेनाओं में भी शामिल होंगे। अगर बात भारतीय सेना की करें तो 616 कैडेट्स हैं जो आज भारतीय सेना में शामिल होंगे और वहीं मित्र देशों के 71 जाबाज आज सेना में शामिल होंगे। यानी कि आईएमए से पास आउट वो आज होंगे। पासिंग आउट परेड आज उनकी हो रही है, शुरुआत उसकी हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून से, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं परेड की, जहां पासिंग आउट परेड जो है वो शुरू हो चुकी है आईएमए की। तो आईएमए से आज 687 कैडेट पास आउट हो जाएंगे जिसमें से 616 कैडेट्स जो हैं वो भारतीय सेना में शामिल होंगे, बाकी 71 कैडेट्स आज मित्र देशों की सेना में शामिल हो जाएंगे। तो आईएमए से आज 687 कैडेट्स पास आउट होंगे जिसकी पासिंग आउट परेड जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं उस परेड की जो शुरू हो चुकी है आईएमए में और नेवी चीफ बतौर मुख्य अतिथि इस परेड में शामिल हुए हैं। तो देहरादून से तस्वीरें हैं आईएमए की, आज पासिंग परेड है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आज 687 जो कैडेट हैं वो पास आउट हो जाएंगे और सेना में भर्ती हो जाएंगे। करीब 7 अवार्ड दिए जाते हैं, अलग अलग रेजिमेंट के ये सीनियर सर होते हैं जिनको अवार्ड दिलवाया जाता है और जो जो भी निरीक्षण अधिकारी होते हैं, जो रिव्यू ऑफिसर होते हैं, निश्चित तौर पर वो इनके इस अवार्ड और उसके बाद पूर्ण से बता करने का स्वागत किया जाता है। तो परेड ही शुरू हो चुकी है देहरादून से, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आज पासिंग आउट परेड जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और 616 जाबाज भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे इस पासिंग परेड के बाद और 71 जाबाज विदेशी सेना में शामिल होंगे, मित्र देशों की सेना में आज शामिल होंगे। यानी कि आज आईएमए से 687 जो कैडेट्स हैं वो पास आउट हो जाएंगे और सेना में शामिल हो जाएंगे। 687 कैडेट्स का जो सपना है वो आज पूरा हो जाएगा सेना में शामिल करने के लिए। बात अगर यूपी की करें तो यूपी के 100 जाबाज आज भारतीय सेना में शामिल होंगे और उत्तराखंड के 60 जो कैडेट्स हैं वो शामिल होंगे। अजीत कंबोज हमारे साथ सीधे वहां से जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर वहां के नजारे की बात करें तो वो हम देख रहे हैं, परेड वहां पर शुरू हो गई है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल प्राची, अगर परेड की बात की जाए तो जो रिव्यूइंग ऑफिसर हैं एडमिरल आर के धवन, उन्होंने अभी परेड का निरीक्षण किया है। इसके बाद अब परेड की सलामी की बात की जाए तो धीरे धीरे अब रिव्यूइंग ऑफिसर की तरफ जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर बाद परेड की सलामी ली जाएगी और जो तमाम जो जेंटलमैन कैडेट्स का इंतजार है वो कुछ ही पलों बाद अब खत्म होने जा रहा है। रिव्यूइंग ऑफिसर की परेड की सलामी के बाद वो स्क्वायर ड्रिल से अंतिम पग पार करेंगे जिसके बाद सीधे तौर पर वो भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक जोश, एक जो जज्बा है भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स
कैडेट्स का वो देखने को मिल रहा है। पूरी परेड के दौरान निरीक्षण किया जा चुका है रिव्यूइंग ऑफिसर की तरफ से पूरी परेड का, और अब कुछ ही पलों बाद सलामी होगी। सलामी के बाद जो अंतिम पग होता है वो क्रॉस करने के साथ ही जो 687 जेंटलमैन कैडेट्स है भारतीय सेना में जो शामिल होंगे और जो मित्र देशों के कैडेट्स हैं वो सब यहाँ से पास आउट होकर अपनी अपनी सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। जी प्राची जी बिल्कुल अजीत, अगर वहाँ के नजारे की बात करें तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि एक तो सेना में ये कैडेट शामिल होने वाले हैं तो एक जोश और एक उत्साह जो है वो जरूर देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल प्राची, अगर उत्साह की बात की जाए तो जब यहाँ पर जो कोई सेलेक्ट होता है भारतीय सैन्य अकादमी के लिए तभी से उसके मन की लालसा होती है कि कब जाकर भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा और कब वो भारतीय सेना की शामिल होकर देश की सेवा में जुटेगा। और सीधे तौर पर इसका नजारा पासिंग आउट परेड में भी देखा जा सकता है, जहाँ तमाम जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो इस पल के इंतजार में बैठे हैं कि कब जाकर वो अंतिम पग पार करें और भारतीय सेना का हिस्सा बने। जोश उत्साह की बात यहाँ पर चल रही है, आपसे चाहेंगे कि आप पीछे का नजारा भी दिखाएं कि क्या वहाँ पर चल रहा है, कैसा जोश उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा जी बिल्कुल मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा कि वो परेड का नजारा दिखाए, हमारे जो भी दर्शक हैं समाचार प्लस के उनको भी साफ तौर पर देखने का नजारा मिलेगी किस तरह से आईएमए की पीओपी होती है, क्या कुछ होता है आईएमए की पासिंग आउट परेड में और किस तरह से पासिंग आउट परेड के दौरान क्या कुछ रहता है खास। रिव्यूइंग ऑफिसर नेवल चीफ आर के धवन ने परेड की निरीक्षण किया है और अब उसके बाद जिस तरह से लगातार जेंटलमैन कैडेट्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं अजीत, आईएमए की परेड यहाँ पर चल रही है, अगर आईएमए की भूमिका की बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण आईएमए की भूमिका है सेना में। बिल्कुल प्राची, अगर आईएमए की भूमिका की बात की जाए तो खासा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस तरह से लगातार भारतीय देश की अगर बात की जाए तो चौतरफा दबाव की एक बात भी सामने आती है, लगातार जो पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत को आग दिखाने का काम करते हैं, ऐसे में भारतीय सैन्य अकादमी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो यहाँ से प्रदर्शन जो होता है कैडेट्स का वो आगे जाकर कहीं ना कहीं सेना में काम आता है, उसी के बलबूते पर भारतीय सेना दुश्मन देशों के दांत खट्टे करने का काम करती है। कोशिश यही रहती है भारतीय सैन्य अकादमी में जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने बेहतर से बेहतर जो ट्रेनिंग कैंडिडेट्स हैं कैडेट्स हैं उनको बेहतर ट्रेन कर सके, और वही नजारा 1.5 साल की ट्रेनिंग में देखने को मिलता है और उसी को लेकर जो पास आउट होते हैं कैडेट्स वो देश सेवा में जुटते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय सैन्य अकादमी खासी महत्वपूर्ण हो जाती है इस पूरे रोल में। और जिस तरह से लगातार जो देश सेवा में देखने को मिलता है उसी का दम होता है कि जो ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सैन्य अकादमी में दी जाती है कैडेट्स को, और उसी को लेकर वो आगे अब देश सेवा में जुटते हैं। जी प्राची जी बिल्कुल अजीत, बात सिर्फ देश सेवा की नहीं है, आईएमए का जो नाम है वो विदेशों में भी प्रचलित है, क्योंकि आईएमए से विदेशों में भी सेना में जो कैडेट्स हैं वो भर्ती होते हैं। बिल्कुल प्राची, जिस तरह से अभी तक का नजारा जो रहा है, लगभग 1932 में अस्तित्व में आने के बाद से भारतीय सैन्य अकादमी लगातार कैडेट्स को देती आ रही है, चाहे वो मित्र देशों की बात हो चाहे भारतीय सेना की बात हो। अगर मित्र देशों की बात की जाए तो आज के कुल 71 कैडेट्स को मिलाकर लगभग 1813 कैडेट्स यहां से पास आउट होकर अपने अपने देशों की सेना में कई बड़े पदों तक पहुंचे हैं। पहले जो लगातार दिक्कतें आती थी, कई बार देखने में भी आता था कि भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी होती थी, उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है, बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है कैडेट्स को, चाहे वो मित्र देशों के कैडेट्स की बात हो चाहे भारतीय सेना के कैडेट्स की बात हो, तो तमाम अधिकारी जो यहां से पास आउट होकर निकले हैं वो कहीं ना कहीं बड़े पदों पर भी पहुंचे हैं, जो साफ कर रहे हैं कि भारतीय सैन्य अकादमी में उनको किस तरह का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है, चाहे वो फिर फॉरेन आर्मी की बात हो चाहे फिर वो इंडियन आर्मी की बात हो। जी जी बिल्कुल अजीत, पूरी तरीके से आईएमए की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। अजीत आप बन रही हमारे साथ और नजर बनाए रखिएगा इस पूरी परेड पर, आपसे फिर से हम अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। अल्मोड़ा से बता दें आपको अहम खबर, सीएम हरीश रावत ने रात में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सीएम ने फटकार लगाई है, शिक्षा विभाग के स्थानांतरण के मामले में निलंबित होंगे अब अधिकारी, जांच सही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी को भी निलंबित किया जाएगा। तो बैठक ली है, फटकार लगाई है सीएम हरीश रावत ने, शिक्षा विभाग के स्थानांतरण को लेकर यह बैठक ली गई है, जांच सही पाए जाने पर जिला
शिक्षा अधिकारी का भी निलंबन किया जाएगा। तो सीएम हरीश रावत ने रात में अधिकारियों की समीक्षा बैठक अल्मोड़ा में ली। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सीएम ने जमकर फटकार लगाई है। शिक्षा विभाग के स्थान धारण के मामले में निलंबित होंगे अब अधिकारी, और अगर जांच सही पाई जाती है तो जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया जाएगा। दो दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा घोटाले की सीबीआई जांच पर कहा कि आपदा की जांच मुख्य सचिव को दी है। सीएम ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की बात तब आती है जब किसी व्यक्ति पर पिन पॉइंट लगा होता है कि किसने घोटाला किया है, तो उसकी जांच सीबीआई से कराई जा सकती है। उन्होंने आपदा घोटाले पर सीबीआई जांच करने से फिर साफ मना कर दिया। सीबीआई जांच की बात तब आती जब रिपोर्ट में लोगों को पिन पॉइंट किया गया होता कि अमुक आदमी ने ये घोटाला किया है, तब इस नेचर का घोटाला हो सकता है, इतना बड़ा घोटाला हो सकता है। उसमें कुछ जर्नल सी बातें कही गई है, इसलिए हमने उसकी जांच चीफ सेक्रेटरी को सौंपी है। वहीं आपदा घोटाले में सीबीआई जांच को लेकर किशोर उपाध्याय ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार को सीबीआई जांच में कोई भरोसा नहीं है। ऐसे क्या सुखाव के पार लगे हुए कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो? जांच के लिए कहा है तो तब तक जो है धैर्य रखना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मालिफाइड इंटेंशंस हैं, और मैंने कहा था कि हम बिल्कुल भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है कांग्रेस पार्टी। उधर केदारनाथ से लौट रहे पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने आरोप प्रत्यारोपों के बाद दो टूक कह दिया है कि कंकाल मिलने वाली बात उनकी अगर झूठी निकली तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस भी बचाव की मुद्रा में आ गई है। सीएम के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने निशंक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि किसने मना किया कि केदारनाथ में अब कंकाल नहीं मिलेंगे। उनके अनुसार जिस तरह की आपदा आई थी, अभी भी मलबे में कई लोगों को कंकाल दबे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि निशंक अगर पंडा पुरोहितों से इजाजत दिला देते हैं तो वो उनके भवनों की सफाई करके उन पर बुलडोजर चलवा देंगे। वहीं बीजेपी ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या सरकार इतनी असहाय हो गई है कि वो पंडा पुरोहितों को मना नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि सरकार हमसे कहे तो हम उन्हें इसकी इजाजत दिला देंगे। लाखों टन मलबा जहां आया हो, वहां हजारों लोग जहां रहे हो, कंकाल तो निश्चित रूप से वहां और मिल सकते हैं यदि सफाई होती है। और जो सफाई की बात जो लोग कर रहे हैं, निशंक जी कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और यदि जीएसआई बुलडोजर लगाने की इजाजत देता है, तीर्थ पुरोहित देते हैं, पंडा समाज देता है, तो बुलडोजर निशंक जी लगाने को स्वतंत्र हैं। हम भी उस सफाई को करने को तैयार हैं जो वैज्ञानिक सफाई हो सकती हो। यदि कांग्रेस सरकार इतनी असहाय हो गई है कि पंडा पुरोहित अपनी सरकार की बात नहीं मान रहे हैं तो हमारे साथ चले, हम इजाजत दिला देंगे। लेकिन आप जो तीर्थ है, यदि तीर्थ में कोई मुर्दा पड़ा रहता है तो तीर्थ की पवित्रता अपवित्र होती है, तो इसलिए वहाँ से नरकंकाल हटाए जाने चाहिए। और उसके लिए जो भी प्रयत्न हो बीजेपी सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं आपदा घोटाले के नाम पर बीजेपी ने राज्य भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने हरिद्वार में अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सड़क पर भैंस के साथ साथ चलकर उसके आगे बीन बजाते रहे। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश है कि सरकार भैंस की तरह सो गई है और जनता बीन बजा रही है। कार्यकर्ताओं ने 16 जून को व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर सीएम आवास को घेरने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सोई सरकार को जगाने के लिए जितने जतन करने पड़ेंगे बीजेपी करने के लिए तैयार है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क की सर्पदुली रेंज में कई दिनों से आग लगी हुई है। सर्पदुली रेंज का जंगल धू धू कर जल रहा है। इस आग ने कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया है।
इस आग से लाखों की वन संपदा के साथ ही वन्य जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद भी कॉर्बेट प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है और आग बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। चंपावत के जिला अस्पताल में कृत्रिम मानव अंग निर्माता संघ एल्मिको कानपुर की ओर से 2 दिवसीय विकलांगता परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सहायक उपकरणों की आवश्यकता वाले विकलांगों की पहचान की गई, जिन्हें एल्मिको की ओर से जल्द ही सहायक कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। इस दौरान जिला प्रशासन के निर्देशक पर अस्पताल में विकलांगों को विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि एल्मिको की ओर से सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न विद्यालयों में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सहायक उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले शिविर में चयनित विकलांगों को बैसाखी व्हील साइकिल सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक बीके सिंह के खिलाफ जांच की मांग तूल पकड़ने लगी है। पिछले दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे कॉलेज के प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह खड़ियात को अब बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि निदेशक की मनमानी और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते इंजीनियरिंग के हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। साथ ही उनका कहना है कि निदेशक के कार्यों की जांच होने पर उन्हें निलंबित किया जाए ताकि जांच प्रभावित ना हो सके। साथ ही बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर निदेशक को निलंबित नहीं किया गया तो भाजपा भी उग्र आंदोलन छेड़ेगी। बड़ी खबर अल्मोड़ा से, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम दल को गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरी झंडी दिखा दी है। पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत को यह हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन मुख्यमंत्री की चाची की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के कारण सीएम का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। बता दें आपको कि मानसरोवर के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा दी गई है। पहले सीएम हरीश रावत को यह झंडी दिखानी थी, लेकिन उनकी चाची की मृत्यु हो गई, जिस कारण सीएम के प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ा है। तो कैलाश मानसरोवर के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा दी गई है। पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत को यह हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन मुख्यमंत्री की चाची की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सीएम का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित करना पड़ा। चाची की मृत्यु होने के कारण सीएम का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम दल को गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरी झंडी दिखा दी है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरी झंडी दिखाई है मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को। पहले मुख्यमंत्री को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन उनकी चाची की मृत्यु होने के कारण सीएम का जो प्रोग्राम है उसको स्थगित करना पड़ा, और फिर इसके बाद हरी झंडी दिखा दी गई है। पहले जत्थे को गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरी झंडी दिखाई है। कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के पहले जत्थे को गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरी झंडी दिखा दी है। ये पहले सीएम हरीश रावत को इस यात्रा को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन सीएम की चाची की मृत्यु होने के कारण उनके प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया है, और अब गोविंद सिंह कुंजवाल ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा दी गई है, और बता दें आपको कि गोविंद सिंह कुंजवाल ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है, जो कि पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत को दिखानी थी, लेकिन उनकी चाची की मौत होने के कारण उनके प्रोग्राम को स्थगित करने पड़ा। हमारे संवाददाता हरीश भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई गई है? जी प्राची, मैं बता दूं आपको, सीएम कल से अल्मोड़े में ही है, और उनका मेन उद्देश्य था कि प्रथम दल को झंडी दिखाएं, लेकिन उनकी चाची का देहांत तो हो गया है। पहाड़ों में ये माना जाता है कि जब 12वीं तक जो है कोई भी धार्मिक कार्य नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो उसको हरी झंडी नहीं दिखा पाए हैं। उनके बदले विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम जानकारी के लिए। वहीं सरकार के मलाईदार विभागों में से एक लोक निर्माण विभाग हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, कभी घोटाले और कभी काम में लापरवाही को लेकर, तो कभी नए डिवीजन बनाने के नाम पर। अब एक बार फिर से उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में अलग से नया ब्रिज डिवीजन बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसे विभाग समय की जरूरत बता रहा है। जबकि प्रदेश के कई विभाग राज्य गठन के 14 साल बाद भी अपने ढांचे का निर्माण नहीं कर पाए हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में प्रदेश में पुल निर्माण में कई गंभीर लापरवाही की बातें भी सामने आई हैं, जिसके बाद से ही अलग ब्रिज डिवीजन बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। खुद सीएम हरीश रावत विभागों की बैठकें लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसमें पुल निर्माण को प्राथमिकता में रखा गया है। वहीं विपक्ष भी सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। बीजेपी नेता प्रकाश पंत का कहना है कि पुल डिवीजन का फैसला सही है।
मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों विभिन्न अधिकारियों की बैठक ली थी, उसमें जो तकनीकी बाधा या कुछ कार्य प्रणाली में कहीं परिवर्तन की कोई संभावना है उस पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कहा था। और ये भी सत्य है कि पुलों को बनाने की जो तकनीक है वो डिवीजन अलग होना चाहिए। देखिए, राज्य के अंदर जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ की जो छोटी सड़कें हैं या गाँव की लिंक रोड हैं या गाँव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उन सभी सड़कों में लगभग नदी नाले गाढ़ गधेरे के चलते हुए पुलों की निर्माण होता है और उसकी एक्सपर्टीज विभाग के पास अभी नहीं है। कई वृत्त और डिवीजन वाले उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग में नए ब्रिज डिवीजन की फाइल शासन में घूमने लगी है। हालांकि विभागीय अधिकारी और पक्ष विपक्ष के नेता इसको समय की मांग बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब 14 साल बाद भी कई विभागों का ढांचा स्वीकृत नहीं हो पाया है और लोक निर्माण विभाग में समय की मांग के साथ ढांचे का पुनर्गठन होता ही रहता है। कैमरा पर्सन अनुप भट्ट और रूपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून, समाचार प्लस।